बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। आज का जो वीज़ा आपके लिए लेके आया हूँ वो एक साउथ अमेरिकन आइलैंड है जिसकी लोकेशन कैरेबियन, और ये जो आइलैंड है वो नीदरलैंड की ओवरसीज टेरिटरी में इसका शुमार होता है। इससे पहले मैंने अरूबा का वीज़ा किया था। अरूबा भी नीदरलैंड की ओवरसीज टेरिटरी है, या यूं कह लें कि उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। इसी लोकेशन पर इनके दो और आइलैंड हैं जो कि वो भी इनके ओवरसीज टेरिटरी में इसका शुमार होता है। तो इस तरीके से डच या नीदरलैंड के चार आइलैंड हैं साउथ अमेरिका में कैरेबियन की लोकेशन पर जिस पर नीदरलैंड का झंडा लहराता है। जिस तरीके से हमने अरूबा का वीज़ा लिया था तकरीबन उसी तरीके से हमने कुरेशाओ का वीज़ा हासिल करना है। कुरेशाओ एक छोटा सा आइलैंड है, 1.5 लाख की आबादी है और वेनेजुएला से 65 किलोमीटर के फासले पर है, और अरूबा से इसका फासला 85 किलोमीटर है। जो इसका कैपिटल है वो विलियम्सटेड है, और करेंसी जो है तकरीबन वो एक क्रोशा जो है 154 PKR के बराबर आती है। डच और इंग्लिश जो है यहाँ पर बोली जाती हैं। इसका जो वीज़ा फ़ी है वो 80 यूरो है, और जो शॉर्ट स्टे वीज़ा है वो 90 डेज़ का है। किस तरीके से वीज़ा हासिल होगा उसके लिए आपको इनकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन को विज़िट करना होगा, netherlandsworldwide.nl। इस वेबसाइट पे आपने इनका एक अदद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, और आपको याद रहे कि ये आपके पास जो टाइम लिमिट होगा फॉर्म भरने का वो मैक्सिमम 30 मिनट्स है। तो 30 मिनट्स के बाद अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लेंगे तो फॉर्म ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा। ये फॉर्म आपने फिलअप करना है, इसको सबमिट करना है, और ड्राफ्ट फोल्डर में आपके पास ये अवेलेबल होगा। उसको आपने प्रिंट आउट करके अपने पास रखना है, और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करना है। उससे पहले आपने इनको एक ईमेल करनी है, और ईमेल अप्रूवल ईमेल के बाद आपने उनसे अपॉइंटमेंट हासिल करनी है। अप्लाई आपने इन पर्सन करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स विद फॉर्म ओरिजिनल, एक सेट ओरिजिनल का और एक सेट उसकी कॉपी का तैयार करना है, और इन पर्सन आपने अपेयर होना है एम्बेसी, हॉलैंड एम्बेसी इस्लामाबाद। फॉर्म सबमिट और इंटरव्यू के बाद तकरीबन 15 डेज़ का टाइम आपको दिया जाएगा, और 15 डेज़ के बाद यस या नो का ऑप्शन जो है या जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। क्या इसके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने तैयार करना है जो कि ऑनलाइन आपने सबमिट करना है। उसके बाद पासपोर्ट चाहिए आपको 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, प्लस 2 ब्लैंक पेजेस, और पिछले जितने भी आपके वीज़े लगे हुए हैं उन तमाम की आपने कॉपी तैयार करनी है। फ़ोटोज़ आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज़, फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, और इंश्योरेंस आपने हासिल करनी है तकरीबन $15,000 तक। ये इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से बआसानी हासिल हो जाएगी। बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको जहां पर आपका बैंक अकाउंट है वहां पर स्टैम्प के साथ ये दोनों डॉक्यूमेंट दरकार होंगे। एम्प्लॉयमेंट लेटर, किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेटर प्लस 3 महीने की पे स्लिप्स, और इसके अलावा कोई आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई बिजनेस करते हैं आप तो बिजनेस सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा, FBI का टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स का। इसके अलावा कोई और बिजनेस है आपका, कोई ऑनलाइन जॉब है, कोई यूट्यूबर हैं आप, कोई यूट्यूब की कमाई आती है, अमेज़ॉन पे आप सेल परचेज़ करते हैं,
या कोई भी सोर्स ऑफ अदर इनकम है, फ्रीलांसर हैं, तो वो तमाम आपने जो आपके पास पैसे आते हैं आप कमाते हैं उसको आपने शो करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका केस मजबूत होगा, जितनी अच्छी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होगी उतना ही अच्छा असर जो है वो एम्बेसी पे पड़ेगा। ये थे इसके जनाब डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। नेदरलैंड वर्ल्ड वाइड .nl पर आपने तमाम प्रोसीजर को फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे आपको प्रोसीजर्स क्या है अप्लाई करने का वो भी मैं लिख दूँगा, तो प्लीज़ इन दोनों चीज़ों को आपने डिटेल में को रीड करना है। आखिर में वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई क्वेश्चन हो, सो प्लीज़ राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।